इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और दिन गुरुवार है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:32 तक रहेगी। आज दोपहर 12:46 तक इंद्र योग रहेगा, साथ ही आज शाम 4:25 तक मूल नक्षत्र भी रहेगा। साथ ही आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 25 जुलाई की भोर 4:04 से सुबह 5:25 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अगस्त की सुबह 7 बजे से अगली सुबह यानी अगले सूरज उगने तक, सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 5:27 पर शुरू हुआ था और 9:54 तक रहेगा, और फिर आज ही दोपहर 12:10 से 1:33 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 जुलाई की सुबह 9:30 से 10:45 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 4:25 से 6:52 तक और रात 8:35 से 1:02 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 23 जुलाई की रात 9:58 से 2:54 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:37 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:54 तक रहेगा, और फिर दोपहर 12:10 से लेकर 1:33 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अभी अशुभ समय 24 जुलाई की सुबह 8:07 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष तुला वृश्चिक और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:53 तक। मुंबई दोपहर 2:23 से शाम 4:01 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:12 से दोपहर बाद 3:56 तक। लखनऊ दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:36 तक। भोपाल दोपहर 2:06 से दोपहर बाद 3:46 तक। कोलकाता दोपहर 1:23 से दोपहर बाद 3:02 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:26 से शाम 4:05 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होगा।
साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज कुछ निजी काम में बहन का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। आज जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा देने का मन बनाएंगे, इससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस देखकर बॉस आपकी पदोन्नति की बात करेंगे, साथ ही आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के लोग आज समझदारी से काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर होने वाला है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है, पदोन्नति का अवसर मिलने के आसार बन रहे हैं। मुश्किल परिस्थिति में आज किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दोस्ती में और भी मजबूती आएगी। आज का दिन समझ बूझ कर कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार व्यक्त न करें जब तक आवश्यकता न हो। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अगर आज आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो फायदा होने वाला है। आज आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व तो सभी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर आज कोई नया मकान खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज दूर का कोई रिश्तेदार आपसे मिलने घर आएगा। आज रुके हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आसपास के लोग आज आपसे खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन नई सौगात लेकर आएगा। कारोबार में वृद्धि के लिए आज का दिन शुभ है। पहले से बनी योजनाओं को लागू करना आज ठीक रहेगा। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आज आप काम के प्रति सचेत रहें, कोई विरोधी आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की नाकामयाब कोशिश कर सकता है। छात्रों को आज प्रोजेक्ट पूरा करने में बड़ी बहन का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा। आज कोई व्यक्ति आपके करियर के लिए खास साबित होगा। सही दिशा में मेहनत करेंगे जिससे ज्यादा काम निपटा लेंगे। आज किसी संस्था द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। नौकरी कर रहे लोगों का आज प्रभाव जमेगा। किसी नए व्यापार में माता पिता की राय कारगर साबित होने वाली है। दूसरे शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देगी। पार्टनर आज कुछ ऐसा काम भी कर सकता है जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए। कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन लाभ के नए आसार बनेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज किसी कॉलेज से आपको टीचिंग के लिए ऑफर मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आज आपके दिमाग में जो भी उपाय आएगा वो कारगर साबित होगा। पुराने किए हुए कार्यों का आज अच्छा परिणाम मिलेगा। साझेदारी करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जमीन से जुड़ा कोई बड़ा मामला सुलझ जाएगा। आज ऑफिस के कार्यों से लाभ होने की संभावना बन रही है। करियर में आज कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं जिससे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ के योग हैं। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से कुछ अच्छा सरप्राइज मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज आपको अपने दोस्तों से बातें शेयर करके अच्छा महसूस होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बच्चे पिता से किसी खिलौने को खरीदने की जिद करेंगे। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आज आपके काम में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। आज आप दूसरों को अपनी बातों से आकर्षित कर लेंगे। कोई रुका हुआ काम अपनों की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। विवाहित आज पार्टनर की बात मानेंगे तो रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। विरोधी पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है।
पहले किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम आज आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। आज आपको तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी, जिससे काम सरलता से पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के कारोबारी अपनी प्लानिंग गुप्त रखेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। आज किसी काम में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, इससे आप नुकसान से बचे रहेंगे। आज शाम को बच्चों के साथ खेलने से मानसिक तनाव कम होगा। आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इस राशि के विवाहित आज अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें। लवमेट्स एक दूसरे की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपकी सेहत पहले से बेहतर होगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा, साथ ही रिश्ते में और मिठास बढ़ेगी। आज आपको कुछ अप्रत्याशित धन लाभ होने वाला है, जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों के साथ हंसी मजाक होगा, साथ ही बीच में किसी बात को लेकर कुछ मतभेद भी हो सकता है, अवॉइड करिए। आज खुद को व्यर्थ के कामों से दूर रखें, वरना आपका समय फिजूल में खर्च होता चला जाएगा, बचाइए उसको। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्ते खाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 2, घर पर आज आप किसी समारोह का आयोजन करेंगे, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मूलांक 3, आज आप अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल होंगे। मूलांक 4, आज आपकी सकारात्मक सोच आपके करियर को एक नई दिशा देगी। मूलांक 5, आज किसी जरूरी काम में आपका जरूरत से ज़्यादा समय लग सकता है। मूलांक 6, आज किसी रिलेटिव के साथ मिलकर नए बिजनेस में पैसा लगाएंगे। मूलांक 7, आज लवमेट्स के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे, आप एक दूसरे की कद्र करेंगे। मूलांक 8, आज बिना किसी अड़चन के आपके सरकारी कार्य पूरे हो जाएंगे। मूलांक 9, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा के विपरीत उत्तर दिशा में सिर करके सोना अच्छा नहीं होता। दरअसल पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति होती है, इसीलिए जो दक्षिण से उत्तर की ओर लगातार चुंबकीय धारा प्रवाहित होती रहती, जब हम दक्षिण दिशा की ओर सर करके सोते हैं तो ये ऊर्जा हमारे सर से प्रवेश करती, पैरों से बाहर निकल जाती। इस तरह सुबह जगने पर व्यक्ति को ताजगी और स्फूर्ति का एहसास होता। इसके विपरीत उत्तर दिशा की ओर सर करके सोने से चुंबकीय धारा पैरों से प्रवेश करके सिर तक पहुंचती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और सुबह जागने पर मन भारी रहता है। देखो, ये तो एक थ्योरी है, लेकिन इसको ज़्यादा क्लियरली समझ लो। देखो, दो चुंबक है, एक ये चुंबक है और एक ये चुंबक। इसमें ये है प्लस, ये है माइनस, इसमें ये है प्लस और ये है माइनस। तो प्लस प्लस को जब करीब लाओगे तो भागेंगे दूर एक दूसरे से, और अगर प्लस और माइनस को करीब लाओगे तो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो अगर ये चुंबक, हमारा भी सर एक पोल है और पैर एक दूसरा पोल है, पृथ्वी में भी दो पोल्स हैं, तो जब हम अपोजिट पोल्स की तरफ करके सोते हैं तो उससे चिपक जाता है, और पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे फोर्स में अच्छे ढंग से काम करती है। और अगर वो रात भर रिपल्स करती रही, धक्का मारती रही आपको, तो आप शांत मन से सो नहीं पाएंगे। ये अब जैसे हमारे धर्मशास्त्र में क्या कहा गया, दक्षिण की ओर पैर करके सोने से आदमी यमलोक चला जाता है। अब यमलोक का मतलब मृत्यु, मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु, व्हाट इज डेथ? डेथ एक दिन में नहीं होती, शिराओं की जड़ता ही मृत्यु है। नॉर्मली 12 साल की उम्र में शिराएं जड़ पड़ने लगती, कड़ी पड़ने लगती। तो जब आप ठीक से सोएंगे नहीं तो उस दिन आप थोड़ा सा 0.01% आपकी डेथ हो जाएगी, आप डेथ के करीब पहुंचे, आपके सेल्स डेड हो जाएंगे। तो इसलिए बना के एक दिन में नहीं कि आपने दक्षिण की ओर से करके आप पैर करके आप सोए और वैसा अगले दिन सुबह आप मरे मिलेंगे, नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट। इंडिया में हमारे भारतवर्ष में जितनी भी चीजें कही गई वो बड़ी ही विशुद्ध वैज्ञानिक थी।
धीरे धीरे करके आपकी डेथ होने लगती है। क्यों? आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। स्वास्थ्य खराब होने का मतलब मृत्यु। आप मृत्यु की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हैव ए वेरी क्लियर कंसेप्ट। जब आप उत्तर की ओर पैर करके दक्षिण की ओर सिर करके सोएंगे तो ये चुंबकीय धाराएं एक दूसरे को खींचती रहेंगी, चुंबकीय बल आपको प्राप्त होगा पृथ्वी का, और आप बहुत सुंदर गहरी अच्छी नींद सोएंगे। आपके शरीर की टूट फूट की बहुत अच्छे से मरम्मत होगी और अगले दिन सुबह आप ताजगी से भरे हुए उठेंगे और आपको दीर्घायु प्राप्त होगी। और अगर उसके उल्टे आप रिपल्सिव वे में सोएंगे तो आपको दीर्घायु नहीं प्राप्त होगी, यानी आपकी यू विल मूव इन द नेगेटिव साइड। अब आप, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ है, शुक्ल पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और दिन गुरुवार है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:32 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 12:46 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 4:25 तक मूल नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मूल 19वां नक्षत्र है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि धनु है। मूल का अर्थ होता है जड़ या केंद्रीय बिंदु। इसका प्रतीक चिन्ह एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को माना जाता है, जबकि मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मूल नक्षत्र के दौरान आज साल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज इंद्रयोग और मूल नक्षत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे 20 जुलाई को हुए मंगलदेव के सिंह राशि में गोचर की। याद दिला दूं कि बीते 20 जुलाई की शाम 5:55 पर मंगल सिंह राशि में आए थे, गोचर किया था, और 5 सितंबर की देर रात 3:58 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। मंगल ग्रह को संस्कृत में अंगारक कहा जाता है, अग्नि, अंगारक। इनकी प्रकृति तमोगुण है, साथ ही ये युद्ध के देवता हैं और ब्रह्मचारी भी हैं। मंगल को भौम यानी भूमि का पुत्र कहा जाता है। कुछ ग्रंथ इन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन मूल युद्ध के देवता हैं ये बात सभी स्वीकार करते हैं। और मंगल को भौम यानी भूमिपुत्र कहा जाता है। मंगल ग्रह को मंगल करने वाले, दुख हरने वाले, कर्ज को हरने वाले और कल्याणकारी माना गया है। ये ऊर्जावान, एनर्जेटिक कार्रवाई, आत्मविश्वास और कभी कभी अहंकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। देखो, हमारे वाङ्मय में, हमारे साहित्य में कहीं कहीं पर अहंकार को बड़े बुरे ढंग से डिपिक्ट किया गया। अहंकार अपने होने का आभास, स्वाभिमान को अहंकार से बड़ी हेयरलाइन डिफरेंस, बड़ा बड़ा ज्ञान लोगों ने इस पे बता दिया है। लेकिन अहंकार बड़ा सीधा सरल शब्द था। उसको दुनिया में हर चीज का एक पॉजिटिव फॉर्म भी, एक नेगेटिव फॉर्म भी है। आप भोजन करते हैं तो भोजन पॉजिटिव है, अति का भोजन कर लें तो भोजन आपके लिए नेगेटिव। वैसे ही अपने होने का एहसास, अहंकार बिल्कुल सबको होना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में हम तो रोज सुबह पढ़ते हैं, अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्म धारणी, देवी का धर्म धारणी स्वरूप, यानी देवी का वो स्वरूप जो धर्म को धारण करता है, मेरे अहंकार, मेरे मन और मेरी बुद्धि की रक्षा करें। तो देखो, हम 1000 साल तक गुलाम रहे हैं, हमारे लिटरेचर के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है, बड़ा हमको झूठा और जने क्या क्या फर्जी चीजें घुसर दी गई हमारे लिटरेचर में। अब आवश्यकता यह है कि आप लंबे समय तक स्वतंत्र रहें। अभी आप स्वतंत्र हैं और अगर नहीं चेते तो जल्दी ही परतंत्र होने की तरफ बढ़ जाएंगे। इसलिए चेतिए महाराज, अपने शास्त्र को समझिए। मंगल अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सीधा सरल है। और अति सर्वत्र बढ़ जाए तो अति कहीं नहीं होना चाहिए, अति का अहंकार नहीं होना चाहिए, अति का भोजन नहीं करना चाहिए। अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति कुछ भी नहीं ठीक होता। तो अहंकार, मंगल अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। और मंगल के सिंह राशि में इस गोचर से अलग अलग राशि वालों पर क्या असर होगा,
मंगल आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही मंगल की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, मंगल आपके पांचवें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको मेहनत के बल पर विद्या का लाभ मिलेगा। संतान से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी, आपको गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पर पानी रखकर सोएं और अगले दिन उस पानी को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। वृष राशि वालों, मंगल आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि भवन और वाहन का सुख मिलेगा, साथ ही माता से भी पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि मंगल का चौथे स्थान पर गोचर आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा, लिहाजा ऐसे में अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस बात का अच्छी तरह ध्यान रख देने की जरूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, वरना सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर का उपाय जरूर करना चाहिए। तो मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए दूध में थोड़ा सा मीठा डालकर बरगद के पेड़ की जड़ में डालें और दूध डालने से जो मिट्टी गीली हो उसे अपने माथे पर तिलक लगाएं। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, भाई बहनों से मदद पाने में भी थोड़ी देर हो सकती है। इस दौरान आप अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से रख पाने में दिक्कत होगी आपको और कर्ज का बोझ बड़ा रहेगा। तो मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए चॉकलेटी रंग का कपड़ा किसी नाई, दर्जी या अपने बड़े भाई को गिफ्ट कर दें। और बात कर्क राशि वालों, मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे आपके स्वभाव में, इससे आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना क्रिएट होगी, लेकिन धन जलेगा भी, व्यर्थ में खर्च भी होगा। ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने के संकेत हैं, साथ ही आपके पास बड़े भाइयों से प्रेम भाव बना रहा तो मंगल के शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन अन्यथा की स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें और भाइयों की भी हर संभव मदद करें। सिंह राशि वालों, मंगल आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे, पहला स्थान लग्न है। मंगल के इस गोचर से आपको भरपूर यश, सम्मान, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और ये आपको एनर्जी भी बहुत देगा, लेकिन लग्न का मंगल आपको टेम्पररी मांगलिक बना देगा। तो इस आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी का भी लग्न का जो मंगल का गोचर है उसको मांगलिक बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है तो आपको मंगल के अस्थायी मांगलिक होने के दोष से मुक्त होने के लिए आपको मंगल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। मंगल के इस उपाय पर आप गौर कीजिए। मंदिर में मसूर की दाल से बनी कोई चीज़ दान करें या केवल मसूर की दाल दान करें। कन्या राशि वालों, मंगल आपके बारहवें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, खर्चे कंट्रोल में होंगे, साथ ही आपको शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ ये भी बता दूं कि किसी भी जन्मपत्रिका के चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें स्थान पर मंगल हो तो जातक अस्थायी रूप से मांगलिक हो जाता है। आपके बारहवें स्थान पर गोचर कर रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जीवन साथी का गोचर जो है वो भी मांगलिक है या नहीं। अगर मंगल मांगलिक नहीं है, मतलब जीवन साथी की जन्मपत्रिका में, तो आपको खाकी रंग की टोपी या पगड़ी से अपना सिर ढककर रखना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो आपको मंगल के इस गोचर से, देखो यहाँ आप समझ लो कन्या राशि वालों के मंगल बारहवें स्थान पे, तो एक सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन ये है कि शत्रु और व्यय नष्ट होगा, शत्रु भी नष्ट होगा, रोग भी नष्ट होगा। जहां मंगल की दृष्टि पड़ती है उसको जला देता है। तो मंगल किस किस चीज को जलाएगा? मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, शत्रु को जलाएगा, स्त्री को हानि पहुंचाएगा, ठीक है? तो इसलिए जीवन साथी को हानि पहुंचाएगा। तो इसलिए मांगलिक दोष से टेम्पररी अगर हो रहे और आपका जीवन साथी भी हो रहा है तो इनलाइन वायर्ड है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो खाकी रंग की टोपी या पगड़ी से अपने सिर को इस दौरान ढककर रखिए। अब अगले उपाय की बात, अगली राशि की। तुला राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आध्यात्मिक विचारों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आप न्याय के प्रति अपने आवाज़, न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, साथ ही माता पिता को आर्थिक रूप से फायदा होगा। पशुपालन के काम से जुड़े लोगों और व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ होगा, लिहाजा अपनी चीज़ों में फायदे की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भैरव जी के मंदिर में इस दौरान दूध का दान करते रहें और संभव हो तो मंगलवार को करें।
वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में धन की बढ़ोतरी होगी और आप कुल का वंश का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी कामों में भी लाभ की स्थिति बन रही है और आपके पिता की भी उन्नति होगी। इस दौरान मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात में दूध पीना अवॉइड करें। धनु राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपका भाग्योदय अवश्य होगा। इस दौरान भगवान के प्रति आपका ध्यान थोड़ा बढ़ेगा और आपको हर तरह के सुख साधन पाने के लिए जरा भी मेहनत नहीं करनी होगी। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो विशेष लाभ होगा। मकर राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको धन पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जन्म पत्रिका में पहले 4th, 7th, 8th या 12th स्थान पर मंगल होने से यानी आपके 8वें स्थान का मंगल आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। ध्यान दीजिए कि आपके जीवन साथी की पत्रिका में अस्थायी मांगलिक है। अगर नहीं है तो आप मंगल का ये उपाय बहुत ध्यान से कीजिए। और कुंभ राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। आप भी टेम्परेरी मांगलिक हो रहे हैं इसलिए आपको भी ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन साथी की पत्रिका का और मंगल का ये उपाय बहुत ध्यान से आपको करना चाहिए। ये एक आपके लिए बहुत बहन या बुआ को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। मीन राशि वालों, मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे और खर्चे पर उसकी पूर्ण दृष्टि होगी। आपकी शैया सुख में बाधा आ सकती है, नींद कम हो सकती है, खर्चे बढ़े रहेंगे लेकिन रोग और शत्रुओं का विनाश होगा। खर्चों पर भी कंट्रोल हो सकता अगर मंगल फेवरेबल हो जाए। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए इस दौरान दूध का दान करेंगे तो गहरी नींद आएगी, फाइनेंशियल गेन होगा और शत्रु नष्ट होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगल के सिंह राशि में प्रवेश की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर महाभारत काल से संबंधित है। कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल में पांडवों ने कुछ समय के लिए निवास किया था और यहाँ उन्हें हनुमान जी के दर्शन भी हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ बाबा जानकी दास जी ने हनुमान जी की बड़ी तपस्या की थी और ढाक के पेड़ पर बाबा जानकी दास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। यहाँ शुक्ल पक्ष में भक्त भंडारा करवाते हैं लेकिन भंडारा करवाने के लिए 2 से 2.5 साल तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। लोग दूर दूर से यहाँ बजरंग बली के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 22 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:32 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 10:43 तक रहेगी। और चतुर्दशी तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ें और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। तो आज दोपहर 1:32 तक आपको बैगन का सेवन अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कल सुबह 10:43 तक तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आप सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मात मात ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे हे रुद्र आज्ञा पैति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पीला कपड़ा साथ रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।